नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चांद हिंदुस्तान की मुट्ठी में होने जा रहा है। अब से ठीक 24 घंटे के बाद भारत एक नया इतिहास रचेगा और चंद्रयान 3 चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। कल शाम 6:04 पर चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा यह मिशन, जहां आज तक दुनिया की महाशक्तियां भी नहीं पहुंच पाई हैं। और अब से 1 घंटा पहले हमारे इस चंद्रयान 3 ने कुछ और नई और बिल्कुल ताजा तस्वीरें भेजी हैं और ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं हिंदुस्तान की स्पेस पावर की, और ये भी कि अब तक सब कुछ इसरो के प्लान के मुताबिक चल रहा है, कल भी सब कुछ हमारे कंट्रोल में ही रहेगा। मतलब ये कि 23 अगस्त 2023 की ये तारीख हमेशा हमेशा के लिए दुनिया के इतिहास में दर्ज होना 100% तय माना जा रहा है। अब तक दुनिया का कोई भी देश चांद के इसी साउथ पोल पर नहीं उतर पाया है और पूरा देश भारत के चंद्रयान मिशन की कामयाबी के लिए दुआएं कर रहा है। आज इस प्रोग्राम में हम आपके मन में उठ रहे हर उस सवाल का जवाब देंगे जिसकी जिज्ञासा आपको है। कल शाम 4:04 पर ही क्यों उतर रहा है चंद्रयान? एन वक्त पर लैंडिंग का वक्त कहीं बदल तो नहीं जाएगा? लैंडिंग के वक्त क्या होगा? जो चंद्रयान 2 के साथ हुआ वो कहीं चंद्रयान 3 के साथ तो नहीं हो जाएगा? और क्या चांद पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसमें कोई एवरेस्ट जितनी बड़ी शक्ति भी चीज भी समा जाए? और ऐसे बड़े बड़े गड्ढों से, खाइयों से आखिर ये लैंडर और रोवर कैसे बचेंगे? चांद से यहां पृथ्वी तक ये लैंडर संपर्क कैसे करता है? वहां से हमें तस्वीरें कैसे भेज रहा है और हम यहां पृथ्वी से इसे कैसे कंट्रोल करते हैं? रूस का मिशन लूना जो अभी तक चल रहा था और माना जा रहा था कि चंद्रयान के साथ रेस कर रहा है, उससे क्या गलती हो गई? और यह भी ये कहा जा रहा है कि अगर इस बार सब कुछ फेल हो जाए, इंजन भी काम करना बंद कर दे, तब भी ये विक्रम लैंडर चांद पर पहुंचकर ही रहेगा। तो ऐसे तमाम सवाल हैं और एक एक करके इनका जवाब आज हम आपको देंगे। हमारे साथ दो बड़े सीनियर मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। मनीष पुरोहित जी साइंटिस्ट हैं, पूर्व इसरो के कर्मचारी हैं, और डॉक्टर सौम्या दत्ता, आप भी वैज्ञानिक हैं। बहुत स्वागत है मनीष पुरोहित जी और सौम्या दत्ता साहब आपका हमारे इस प्रोग्राम में। जैसे मैंने कहा चंद्रयान पर बात हो रही है, लोगों के मन में तो बड़े बुनियादी सवाल भी होते हैं, तो आज हम कोशिश करें कि वो भी आपको बताएं और अगर कहीं कोई गलत जानकारी भी आपको मिल रही हो तो वो भी आज हम यहां पर दुरुस्त कर देंगे। तो पहले एक बार जरा फिर से आपको हम वो तस्वीरें दिखाते हैं जो अब से थोड़ी देर पहले हमारे इस चंद्रयान 3 ने भेजी हैं। देखिए ये वो तस्वीर है और कितनी खूबसूरत तस्वीर है। इसमें आपको एक पैनल नजर आ रहा है, ये हमारे इस चंद्रयान 3 का पैनल है और आपको सामने जो सतह नजर आ रही है वो चांद की सतह नजर आ रही है आपको, और ये कैमरा नंबर 4 जो इसका बताया जा रहा है उससे ली गई तस्वीरें। तो पहले जरा इसके बारे में बता दें एक बार मनीष हमें, क्योंकि देख के कई बार ऐसा लगता है कोई एनिमेशन जैसा तो नहीं है, ये असल तस्वीर है। देखिए अभी जिस प्रोसेस में हम हैं, जहां पर हम अभी हैं, वहां पर हम चांद के चारों तरफ घूम रहे हैं। तो ये वो टाइम है जब इसरो वेल कनेक्टेड है विक्रम से, अपने चंद्रयान 3 के विक्रम से, और ये एक तरीके से आप मान लीजिए कि हर एक सिस्टम सब सिस्टम का एक चेक चल रहा है, और उसी चेक के एज अ पार्ट ऑफ दैट इस कैमरा से हमने कुछ फोटोज क्लिक करी हैं, फोटोज परफेक्ट आई है। तो इससे यह भी पता चल रहा है कि हमारा जो कैमरा है वो कैमरा भी परफेक्टली वर्क कर रहा है, हमारा कम्युनिकेशन सेटअप जो है वो भी परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो ये जो पार्ट देखिए, इस पार्ट में हमें चांद के चारों तरफ घूमना है, क्योंकि हम 23 तारीख को टचडाउन के लिए जो अपना पावर डिसेंट है उसको चालू करेंगे। उससे पहले तक ये पूरा टाइम इसरो यूज करेगा, मतलब टाइम टू टाइम चेक करने के लिए कि सारे सिस्टम्स सही चल रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई एनोमली तो नहीं आ रही, क्योंकि अगर कुछ भी है तो हम उसको करेक्ट कर पाएं। तो अभी वो प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि हमारे पास टाइम है ये सब अभी चेक करने का। अरे ठीक है, चलिए मैं पहला सवाल आपके सामने रख रहा हूं। ये एक सवाल जो है अब कई दर्शकों ने भी हमसे पूछा कि शाम 6:04 पर ही ये जो विक्रम लैंडर है ये लैंड क्यों कर रहा है, ये वक्त कैसे चुना गया इसी की एन 6:04 पर? देखिए इसको अपन थोड़ा एक देखिए, ये जो लैंडिंग का टाइम ये डिटरमिन किया गया, ये निर्धारित किया गया, क्योंकि इसके पहले ये समझना जरूरी है जो सारे बार बार बोला जा रहा है कि हम चांद का साउथ पोल में लैंड कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है। साउथ पोल में लैंड नहीं कर रहा है। यदि साउथ पोल में लैंड करता था तो विक्रम और प्रज्ञान दोनों ही काम नहीं कर पाता था, क्योंकि ये दोनों सोलर फोटोवोल्टाइक पैनल से पावर्ड है। हम पोलर रीजियन में पोल से ऑलमोस्ट 20 डिग्री ऊपर लैंड कर रहा है। अच्छा। वो नेसेसिटी है। नियर साउथ पोल कह सकते हैं, पोलर रीजियन ठीक है, इसको बोलते हैं साउथ पोलर रीजियन। सेलेनोलॉजिकली जैसे जियोग्राफिकली अर्थ को बोलते हैं, चांद को सेलेनोलॉजिकल फीचर बोलते हैं, तो वो एक जरूरी बात है। दूसरा, ये लैंडिंग का टाइम इसीलिए चुना गया, चांद का जो दिन है
वो लगभग धरती का 14 दिन है जब सूरज का किरण पड़ेगा वहाँ, और क्योंकि दोनों ही सोलर पावर्ड है तो इसी हम लैंड करना चाहते हैं जब दिन शुरू होगा, और 14 दिन धरती का 14 दिन जो चांद का एक दिन पूरा काम कर पाए जो प्रज्ञान रोवर है। तो इस कारण जितने जल्दी आप जितना मॉर्निंग में लैंड करेंगे आपके पास उतना लंबा टाइम मिलेगा एक्सप्लोर करने में। ये 6:04 एग्जैक्ट लूनर सनराइज का वक्त है, उसके थोड़ा बाद है, ठीक है, जो ताकि चांद में उस हिस्सा में सूरज का किरण आ जाए और विक्रम का लैंडर का जो थोड़ा पैनल है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लैंडर को भी काम करना पड़ेगा और प्रज्ञान रोवर को खोल के नीचे उतरना, प्रज्ञान को पावर करना क्योंकि सोलर पैनल चार्ज होगा। okay. इसीलिए यदि उससे हम यदि बाय चांस अगस्त 27 करना पड़े तो 4 दिन हमें लॉस होगा काम करने का टाइम, क्योंकि इसमें ऐसे चीज नहीं है जो चांद का रात में जो भयंकर ठंडा होगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो सकते हैं। इसीलिए इसी 14 दिन का टाइम को मैक्सिमाइज करने के लिए जितनी सुबह सूरज का आलोक रसने का टाइम वो इसीलिए चुना। तो ये दोनों जो वर्क कर रहे हैं सोलर एनर्जी पर ही वर्क कर रहे हैं, चांद पर भी सूर्य की ऊर्जा। आप एक और चीज देखिए, आप अगर देखेंगे अपना जो लैंडर है और जो अपना प्रज्ञान है उनके सोलर पैनल एकदम वर्टिकल के जैसे खड़े ना, अपन धरती पे पैनल लगाते हैं तो खड़े नहीं लगाते, फ्लैट लगाते हैं। तो इसका ये कारण ये है क्योंकि जो सूरज हमें दिखेगा ना 14 दिन के लिए वो यूं जाएगा, वो ओवरहेड नहीं जाएगा क्योंकि हम पोलर रीजन में हैं, हम साउथ पोल पे नहीं, वहां तो आई नहीं रही ना सनलाइट, हम पोलर रीजन में, लेकिन वहां पर हमें जो सूरज दिखेगा वो ऐसे जाने वाला है, हमारे सामने से जाने वाला है, इसलिए पैनल्स यूं खड़े हैं, ये एक पार्ट है। इसी अब जैसे अगर अपन देखें, मान लीजिए लूना 25 के साथ वो अनफॉर्चुनेट इवेंट नहीं होता तो लूना 25 21 को जाना था, तो अब बहुत सब बोले थे तो रेस है वो हमसे पहले जाना चाहते हैं, ये रेस नहीं थी, उनका जो पोजीशन उनने पिक किया था ना चांद पे जहां पर उतरना चाहते थे वहां पर 21 तारीख को सूरज आ जाता था, तो वो भी तो अपने 14 डेज पूरा यूज करना चाहेंगे, उनको भी तो एक्सप्लोरेशन करना है। ये क्यों कहा जा रहा है कि अगर कल हम नहीं कर पाए तो 27 को करेंगे, तो वो 27 में क्या है फिर ऐसा? देखिए ऐसा है ना कि ये बड़ा मिशन है तो हम ये नहीं जिद कर सकते ना कि इस लोकेशन पे ही करना है कुछ भी हो जाए। लास्ट टाइम हमारे साथ क्या हुआ था कि जब हमें हमारे लैंडिंग स्पॉट के एग्जैक्टली ऊपर होना था 400 मीटर ऊपर, हम तब उससे 850 मीटर पीछे और जमीन से चांद की जमीन से 350 मीटर ऊपर थे और फिर एल्गोरिथम ने बोला लैंड करना है और हमारा विक्रम भागा, एक तरीके से आप आम भाषा में समझे तो वो भागा लैंड करने के लिए एंड हमारा क्रैश लैंड हुआ। अब मान लीजिए कोई ऐसी ऑफ नॉमिनल सिचुएशन हो जाए तो हम अब ये रिस्क तो लेंगे नहीं, तो इसरो ने क्या किया ना, काफ़ी मल्टीपल लैंडिंग साइट्स पिक करी जाती है, रोस्कोस्मोस ने भी करी थी, अगर आप ध्यान दें तो उनने भी बोला था लूना 25 जो है वो 21 को नहीं करेगा तो शायद 24 को करेगा, क्योंकि ये दो अलग अलग जो पोजीशन है वो दूसरी पोजीशन जो है वहाँ पर आप ये मान लीजिए वो पोजीशन थोड़ी और पीछे है, अपन ये कह सकते वेस्टवर्ड्स है थोड़ी सी, तो वेस्टवर्ड्स है अगर वो, तो अब वहाँ पर हम लैंड करेंगे जहाँ पर वापस 4 दिन लेगा अपने आप को वहाँ के लिए पोजीशन करने के लिए आप अगर 27 को जाना पड़ा। एक्चुअली 4 दिन नहीं लेगा, लेकिन यदि इसमें क्योंकि ये साइट चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर से पूरा मैप करके इस जगह को चुना गया, बाय चांस माने हम 99.99% यहां लैंड होगा, सॉफ्ट लैंडिंग होगा, बाय चांस नहीं हो पाया तो फिर से नया साइट को फुल इंस्पेक्शन होगा, मैपिंग होगा, इंस्ट्रूमेंट को फिर से टेस्टिंग होगा, क्योंकि इसरो जो गलती रशियन मैनेजर्स इस बार किया, रोस्कोसमोस का मैनेजर किया है, उन्होंने जल्दीबाजी में लूना 25 को उन्होंने सीधा लैंड करवाने का, ऑर्बिटल स्टेबिलिटी ना करके सीधा लैंड करवाने का कोशिश की, ये नहीं करना चाहिए। तो कल अगर नहीं हुआ वैसे होगा तो फिर 27 तारीख को सारे प्रिकॉशंस के और जैसा आपने कहा इंस्पेक्शन करके चांद की सतह को इंस्पेक्ट करके हम उतरने की कोशिश करेंगे। दूसरा सवाल हमारा आज का ये है, वो इससे जुड़ा ही था वैसे, कि एन मौके पर लैंडिंग का वक्त बदलेगा तो नहीं, ये फैसला कब लिया जाएगा, किस स्टेज पर लिया जाएगा कि नहीं इस वक्त मुमकिन नहीं है या बेहतर नहीं है कि हम उतरें, अब अगली साइट के इंस्पेक्शन के लिए जाएंगे। देखिए जो लास्ट का फेज है ना, जिसको वो कहते हैं, मतलब JPL ने एक टर्म यूज़ किया था, नासा के एजेंसी ने टर्म यूज़ किया था, उन्हें बोला था ये 17 मिनट्स ऑफ टेरर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिक जो सिस्टम है जो ऑनबोर्ड कंप्यूटर वो डिसीजन मेकिंग करता है वो देखता है, तो मतलब जैसे अभी सर ने बोला ना 99% तो ऐसा है कि हम उस दिन लैंड कर जाएंगे, बिकॉज देन वी विल लूज ऑन वाइटल रिसोर्स, सबसे बड़ा रिसोर्स तो फ्यूल है ना, हम 4 दिन तक अगर वहाँ पहुँचेंगे, ऑर्बिट करेंगे, फिर से इंस्पेक्शन करेंगे, तो हम एक वाइटल रिसोर्स, फ्यूल सबसे बड़ा वाइटल रिसोर्स है, क्यों हम क्या कह रहे हैं भाई चंद्रयान 3 में हमारे पास थोड़ा फ्यूल ज़्यादा है, इससे हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम हर हाल में लैंड कर जाएंगे, तो अब ऐसे वाइटल रिसोर्स को तो हम वेस्ट नहीं होने दे सकते ना,
तो इसके लिए जो लैंडिंग साइट है उसको हमने जो ऑब्जर्व किया, तो हमने हमारे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी उसको यूज़ किया है। तो टाइम चेंज करना ये एक ऐसा डिसीजन होगा, वो जब होगा जब हम उस पूरे प्रोसेस के अंदर नहीं गए हों अगर, क्योंकि प्रोसेस के अंदर जाने के बाद हम यहाँ से नीचे से पैच अगर करने की भी कोशिश करेंगे तो वो जो थोड़ा सा डिले है वो हो सकता है हमारे उस प्रोसेस के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट करे, बिकॉज वो वहाँ पे हर वक्त कुछ ना कुछ हो रहा होगा। ये फैसला तभी तक हो सकता है जब तक हम यहाँ से उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं, अगर वो वहाँ से उसने अपने फैसले लेने शुरू कर दिए तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली इसरो ने जो बताया है ये फैसला अंत में, ये काली 23 अगस्त लैंड करेगा कि इसको, ये लगभग 2 घंटा पहले लिया जाएगा इसरो की तरफ से, ठीक है, क्योंकि जैसे मनीष ने भी बोल रहा है एक बार वो 15 मिनट कल 5:45 में ये ऑटोनोमस मोड में चला गया, उसको हैजर्ड अवॉइडेंस सिस्टम काम कर रहा है, उसको AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम डिसीजन ले रहा है, तब आप यहाँ से उसको परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसको मार्जिन रख के इसरो ने बताया कि लगभग 2 घंटा पहले ये फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि आप और चेंज नहीं होगा अभी उसको, आज ही लैंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये जो 2 घंटा पहले, 2 घंटा पहले हम लगभग फैसला कर रहे हैं। अगर कमिट कर दिया वही बात, अगर उसने आपने बताया अगर आखिरी 15-17 मिनट वाले पहुंच गए चला गया तब मुमकिन नहीं है, तब तो फिर अटेम्प्ट करेगा, क्योंकि हम उसको सिग्नल यहां से भेजेंगे, मान लीजिए हमने पैच करने की कोशिश करी, वो जब तक वहां पहुंचेगा तब तक उसका भी तो टाइम आगे निकल रहा है और वहां पे ऑटोनोमस सिस्टम जो डिसीजन मेकिंग करे जा रहा है तुरंत। ठीक है, अच्छा एक सवाल, तीसरा सवाल ये कि चंद्रयान 3 से भारत को हासिल क्या होगा? हम बहुत बड़ी कामयाबी होगी हमारे लिए, चांद पर पहुंचना, चांद पर अपना ऑब्जेक्ट उतारना, चांद की सतह को वो इंस्पेक्ट करेगा, बहुत बड़ी बात है, सुन के ही ऐसा लगता है कुछ ख्वाब सा सपना सा है उससे, लेकिन हम अचीव क्या कर रहे हैं, हमें क्या हासिल होने जा रहा है वहां पर उतर पर? देखिए एक तो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट होता है, एक पार्ट होता है जो आप उसको वैसे देखिए कि ग्लोबल स्केल पे हम अपने आप को प्रूव भी तो करेंगे कि हम वो पहला देश बन गए हैं जो कि उस पोलर रीजन में सॉफ्ट लैंडिंग करवा पा रहे हैं, सब ट्राई कर रहे हैं, हमने भी ट्राई किया और हम सक्सेसफुली वहाँ पर लैंड कर गए। तो एक बहुत बड़ा स्टेप जो अभी रिसेंटली इसरो ने लिया है वो है उनकी जो न्यू स्पेस पॉलिसी है भारत सरकार ने जो करी है, वहाँ पर हम इसरो को एक ऑप्शन के जैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जो बड़ा ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी है जहाँ पर अभी हमारा पेनिट्रेशन सिर्फ 2% है और हम जाना चाहते हैं 9% पे, तो ये अचीवमेंट्स ही तो हैं भाई। आप नासा को देखें तो नासा के लिए इतना बड़ा, एक बहुत बड़ी इमेज नासा की, क्योंकि उनने अपोलो तभी कर दिया था 50 साल पहले। तो आप समझिए ना, ये एक वो ना एक ऐसी इमेज बना देगा कि हाँ अब एक ऑप्शन में इसरो भी खड़ा है, और अगर उस चीज़ को एक और तरीके से देखें ना तो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको एक ऑप्शन चाहिए, सदा चाहिए एक ऑप्शन, और इसरो एक बेटर ऑप्शन बन जाता है। जैसे अभी कुछ समय पहले की बात है कि हाइपर स्पेस ने एक MOU साइन किया, हाइपर स्पेस जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एक पार्ट मैनेज करते हैं, एक प्राइवेट एंटिटी है, उनने एक MOU साइन किया, वो वांट टू एक्सप्लोर करना चाहते हैं हमारे लॉन्च व्हीकल Mark 3 को, जो चंद्रयान को लेकर उड़ा था हमारा लॉन्च व्हीकल, उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि क्या ये उनके आने वाले फ्यूचर मिशन में काम आ सकता है। तो इसरो फिर वर्ल्ड स्टेज का एक प्लेयर बन जाए। हाँ, और अगर आप बात करें मून मार्स ऑर्बिटर की, वी वर द फर्स्ट वन टू गेट सक्सेस इन फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड अगर हम यहाँ पर भी हो जाते तो वी विल द फर्स्ट वन टू हैव सॉफ्ट लैंडिंग। तो आप सर कुछ ऐड करना चाहते? हाँ, मैं इसमें बोलना चाहता हूँ, इसमें जो इम्पोर्टेंस है, ज़रूरत मैंने बहुत इम्पोर्टेंट बात जो इसमें है, एक तो चांद में जाना उसका ज़रूरत क्या है, चांद एक आपको मानिए एक लॉन्चिंग बेस है हाँ धरती के बाहर, क्योंकि चांद का ग्रेविटी धरती का 1/6 है, वहाँ से लंबा दूरी का कोई स्पेस मिशन लॉन्च करना उसमें बहुत छोटा रॉकेट चाहिए, धरती में ह्यूज बड़ा रॉकेट चाहिए। तो यदि हम चांद में जहाँ पानी मिल जाएगा, पानी को सूरज के लाइट से इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, तो आपको सबसे पावरफुल जो केमिकल रॉकेट फ्यूल लिक्विड ऑक्सीजन लिक्विड हाइड्रोजन वो मिल जा सकते हैं। तो चांद से फ्यूचर मिशन लॉन्च करना कोई भी टेम्पोररी बा लॉन्ग टर्म ह्यूमन सेटलमेंट, इंसान को वहाँ रहने का एज एन एक्सपेरिमेंटल स्टेशन, रहने के लिए पानी चाहिए। हाँ, चांद में बाकी चीज़ बहुत, ये पानी की तलाश करेगा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ 2-3 है, उसमें सबसे बड़ा तो पानी है, दूसरा है जो लूनर रेगोलिथ बोलते हैं जो डस्ट है, उसमें क्या क्या मिनरल है, क्योंकि आपको यदि वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन करना है तो धरती से सीमेंट स्टील तो आप नहीं लेके जा सकते हो, तो चांद का जो डस्ट है उसको रेगोलिथ बोलते हैं, उसी को कैसे आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल में कर सकते हो, क्या क्या मिनरल है, क्या क्या आपको मिल सकते हैं, ये आप मान लीजिए चंद्रयान 3 जस्ट शुरुआत है। चंद्रयान 3 उसी एरिया में लूनर साउथ पोलर रीजन में लैंड करके सक्सेसफुली जब साइंस पार्ट शुरू हुआ, विज्ञान के पार्ट, एक तो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन लैंड किया सॉफ्टली,
उसके बाद प्रज्ञान शुरू करेगा विज्ञान के पाठ, क्या है, कहाँ है, लगभग कितना है। और ये चंद्रयान सी वैसे फिर से बोल रहा हूँ शुरुआत है। इसके बाद बहुत सारे देश जिनको क्षमता है और साउथ पोलर रीजन में भेजेगा, एक्सटेंसिव हम उसमें पहले हैं। और ये काम अभी ये पायोनियर भारत बन जाएगा। अभी चीजें आपने बताई हैं, ये जो वहां शक्तियां जो पहले पहुंच गई जिन्होंने इंसान भी उतार दिया, सर ने जो लोगों नहीं पता उन्होंने नहीं किया, नहीं पता नहीं कर पाए, बात सही नहीं पता। देखिए जैसे हम है ना वहां पर उतर के ना लूनर क्वेक पढ़ना चाहते हैं। अभी इक्वेटोरियल पार्ट में तो नासा ने 1977 तक काफी अपने सिस्मोमीटर्स लगाए हुए थे, लेकिन 1977 के बाद से उनका कोई एक्टिव नहीं है और पोलर रीजन में उनका एक भी नहीं है, तो हम तो पहले हो गए। अब लूनर क्वेक पढ़ना जो हमको पता होना चाहिए ना कि धरती के नीचे मतलब चांद की धरती के नीचे क्या हो रहा है, जैसे हमें अर्थ की मतलब धरती पे अपनी धरती के अंदर क्या हो रहा है हमें पता होना चाहिए, वैसे वहां पर भी तो पता चलना चाहिए। अगर वहां पर बेस कैंप बना रहे हैं, हम चाहते हैं वहां पर एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे रुकेंगे, वहां पर एक बेस कैंप बनेगा, तो जैसे सर ने बताया ना कि ग्रेविटी और एटमोसफेयर की बात करें, अपना LVM3 जो है वो 6,40,000 किलो का है और वो सिर्फ 4,000 किलो लेके उड़ता है, मतलब बाकी सब उसका ढांचा और उसका फ्यूल का वजन है। अगर हम इसी को चांद पर ले जाते हैं तो हमारी कैपेबिलिटीज बढ़ जाएगी, ग्रेविटी कम हो जाएगी। एक सवाल ये है कि क्या चांद की सतह पर इतने बड़े गड्ढे हैं, इसने लिखा कि उसमें एवरेस्ट तक समा सकता है क्या? नहीं, इतने ह्यूज क्रेटर्स हैं नहीं है। चांद में जो क्रेटर्स है और क्रेटर्स चांद का क्रेटर जो है वो बेसिकली ऊपर से जो एस्टेरॉइड्स और मेटेराइड का बम गिरा है, धड़ाम से गिरने से एक गड्ढा होता है, दोनों साइड से थोड़ा पहाड़ जैसे उठता है, जैसे हमारा यहाँ राजस्थान में है रामगढ़ जाके देखिए वो भी इम्पैक्ट क्रेटर है। तो एवरेस्ट चले जाने वाले कोई नहीं है लेकिन काफी बड़ा है और जो है बड़ा है, क्रेटर बहुत बड़ा है लेकिन उसका ऊंचाई सेवरल किलोमीटर वाइड, बहुत किलोमीटर वाइड है, मतलब एवरेस्ट का बेस से भी बहुत बड़ा है लेकिन डेप्थ उतना नहीं है। ठीक है, एक सवाल ये कि ये जी हाँ बोले बहुत ज्यादा है संख्या में, बहुत संख्या बचेगा कैसे, ये लैंडर और रोवर बचेगा कैसे? नहीं अब डिटेल्ड एनालिसिस किया ना उस पैच का, 4 किलोमीटर बाय 2.5 किलोमीटर का, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है अब उसका डिटेल एनालिसिस किया है, और फिर जैसे ना अभी लैंडर इमेजर कैमरा है फोटो खींच रहा है, तो वो एनालिसिस तो रियल टाइम करना ही है ना, तभी तो वो कैमरा उतर तो जाएगा, वो ठीक जगह देख करके वो खुद फैसला लेगा, ये तो हमने सब आप लोगों ने बताया। जब रोवर उतर जाएगा बाहर तो नहीं, वो कहां मूव कर रहा है, वो एरिया फाइनलाइज होगा। अच्छा, वो सब फाइनलाइज होगा, वो एक डेफिनेट एरिया के अंदर ही छोटा एरिया में वो मूव जो करेगा, वो भी अपने 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 फैसले खुद ले रहा है मुझे कहाँ जाना है, या हम यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं उसको? नहीं, लैंड उतरने के बाद, उतरने के बाद जो रोवर वो जो मूवमेंट होगा ना, रोवर खुद हमसे कनेक्टेड नहीं होगा, रोवर कनेक्ट करेगा अपने लैंडर से, लैंडर कनेक्ट करेगा अगर डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता है तो ISDN से अपने डीप स्पेस नेटवर्क से, और अगर बाई चांस कोई ऐसा कारण होता है कि जैसे वो किसी क्रेटर के किनारे कहीं लैंडिंग हुई है ऑफ नॉमिनल सिचुएशन में, तो वो यूज करेगा अपने चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को, तो कम्युनिकेशन इस तरीके से बैठने वाला है। ठीक, अब ये अपने क्योंकि अभी आपने बताया ये पोलर रीजन है तो इस पर जाना इतना मुश्किल क्यों माना गया, अभी तक कोई क्यों नहीं गया और हम क्यों गए? देखिए, एक तो पोलर रीजन में लैंड करना, सॉफ्ट लैंडिंग करना, एक तो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वहाँ क्रेटर्स और माउंटेनियस रीजन बहुत है, सिर्फ क्रेटर नहीं है, क्रेटर मतलब खड्डा तो है, खड्डा का दोनों साइड में शार्प ऊंचा हुआ है पहाड़ जैसे, वहाँ एस्कर्पमेंट है, मतलब वहाँ जो अभी मनीष भी बात कर रहा था जो लूनर क्वेक, मून क्वेक, धरती में अर्थ क्वेक होता है, मून क्वेक इस रीजन में ज़्यादा है, यहाँ फॉल्ट लाइन है, कंपन होता है धरती, कंपन धरती का जैसे इतना स्ट्रांग नहीं होता है लेकिन मून क्वेक वहाँ होता है उस एरिया में ज़्यादा। फिर एस्कर्पमेंट है, मतलब शार्पली उठा हुआ पहाड़ का रिज जैसे वो है, तो इसीलिए इस जगह में, प्लस दूसरा चीज है जो मैंने बोला, ये इक्वेटोरियल रीजन में धरती से आप यदि ऑर्बिट देखेंगे सीधा आप पहुंच सकते हो, दोनों नॉर्थ व साउथ किसी भी पोलर रीजन में लैंड करना है तो आपको काफ़ी ऑफ रूट आना पड़ेगा, और उसमें आपको जो कम्युनिकेशन डिटर्मिनेशन सब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाते हैं, लेकिन माउंटेनियस रीजन है, पहाड़ है, क्रेटर है, ये सारे आपको बाधा सृष्टि करते हैं। ठीक, अगला सवाल हमारा था कि साउथ पोल पर ही लैंडिंग क्यों, क्या यहाँ पर लैंडिंग वाली जगह समतल है, मुझे लगता है इस पर हमने काफी बात कर ली अभी कि क्यों हम वहीं पर लैंड कर रहे हैं, साउथ पोल में नहीं कर रहे, वो भी साफ होना चाहिए, साउथ पोल में नहीं कर रहे, पोलर रीजन के अंदर कर रहे। अगला सवाल है, ये 14 दिन तक वहां पर आपने काफी बताया कि उसको क्या क्या स्टडी करनी है, 14 दिन तक ये क्या करेगा और कैसे सस्टेन करेगा खुद को, क्योंकि आपने बताया, और क्या 14 दिन के बाद काम करना बंद कर देगा? देखिए एक्चुअली इसको अपन फिर से, मैं लूना 25 से थोड़ा सा कंपेयर करके बताना चाहूँगा। जब तक सूरज हमें दिख रहा है तो हमारे जो सोलर पैनल्स हैं वो पावर जनरेट कर रहे हैं, पावर जनरेट कर रहे हैं तब तक ही सिस्टम अप है। देखिए आप कुछ भी करें, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसको एक तरीके से मान लीजिए रूम टेम्परेचर चाहिए ऑपरेट करने के लिए,
तो वहाँ पर हीटिंग यूनिट होंगे, लेकिन वो हमारे हीटिंग यूनिट जो चंद्रयान के हीटिंग यूनिट है विक्रम के, वो बिजली से चलेंगे जो सूरज की रोशनी से हम बना रहे हैं। लूना के लिए बोला जा रहा था कि वो लैंड करेगा तो वो पूरे एक साल चलेगा। उसमें ये था कि जो जब तक सूरज दिख रहा है तो सूरज की रोशनी से बिजली बनेगी, पावर जनरेट होगा और उससे वो सारे कार्यक्रम करेगा जो भी है, कनेक्टेड रहेगा और सब कुछ रहेगा। लेकिन जब रात आएंगी, जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाना है, जिस वक्त सस्टेन करना मुश्किल है, क्योंकि देखिए ये एक साइकिल हो जाएगी ना, बहुत ठंडा बहुत गर्म, बहुत ठंडा बहुत गर्म, तो ये है कि उस वक्त वापस जागना एक क्वाइट इम्पॉसिबल रहता है कि जब आप इतने क्रायो टेम्परेचर पे, इतने ठंडे टेम्परेचर पे चले जाएं तो इलेक्ट्रॉनिक्स वापस जाग नहीं पाते, एक तरीके से वो मर सी जाती है। तो उनने क्या करा था ना, उनने एक रेडियो आइसोटोप हीटिंग यूनिट यूज़ करी थी, यानी एक रिएक्शन हो रहा है जिसके अंदर जो प्लूटोनियम या अमेरिशियम यूज़ किया जाता है तो वो टूटता है, उससे एक पार्टिकल निकलता है, उस पार्टिकल की एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करते हैं जिससे कि वो उस टेम्परेचर को मेंटेन, सोलर एनर्जी पर वो डिपेंडेंट नहीं थे, सोलर एनर्जी पर डिपेंडेंट थे बिजली बनाने के लिए, हीट मेंटेन करने के लिए उन्होंने अपना एक अलग सिस्टम रखा हुआ था, तो वो एक साल तक चलने की बात कर रहे थे। हमारे पास नहीं है तो हमारा 14 दिन पे लिमिट हो जाता है, 14 दिन के बाद फिर ये मतलब कमीशन ओवर, मतलब रात आ जाएगी। तो जैसे 14 दिन के बाद फिर 14 दिन का चंद्रमा का रात, मैंने हमारे 14 दिन रात होगा वहाँ, उस टाइम टेम्परेचर जीरो से भी बहुत नीचे चले जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो काम करना बंद कर देगा। और जो मनीष भी बार बार बोल रहे हैं, हम धरती में भी देखा है, आप पोलर रीजियन में कुछ ले जाए आपको बैटरी भी बहुत जल्दी से खत्म हो जाते हैं, तो इसी ढंग से इलेक्ट्रॉनिक्स काम करना बंद कर देगा। 14 दिन जो दिन है वहाँ चांद के, सूरज दिख रहा है, जब वहाँ पर अंधेरा, सूरज मिलेगा जब वहाँ सूर्यास्त हुआ 14 दिन के बाद, उसके बाद ये और वो 14 दिन रात में रहने के बाद फिर अगले सूर्य जगेगा, ऐसे कोई गारंटी नहीं, गारंटी नहीं, मोस्ट लाइकली वो जगेगा नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी जीरो नहीं कह सकते, नहीं जीरो नहीं कह सकते हैं। इसके पहले भी ऐसे घटना हुआ है, मंगल ग्रहों में ऐसे हुआ है, जो काफी दिन मंगल का भी ये बहुत लोचे टेम्परेचर जाते हैं फिर वो जग गया, तो जीरो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा संभव है इसकी अपनी मिशन लाइफ जो है वो कम, जो काम करना है उसको 14 दिनों में करना, चले वो कम और नहीं किया है। और बहुत से सवाल हैं हमारे पास, और जो आप तक इस चंद्रयान मिशन की सारी जानकारी पहुंचाएंगे, जैसे यहां से इस चंद्रयान तक सिग्नल पहुंचने में कितना वक्त लगता है, जैसा अभी बात हो रही थी कि हम लास्ट फेज में अगर वो चला गया तो फिर हम उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, फिर वो अपना फैसला खुद करेगा। ये जो लूना 25 अभी जो रूस ने अपना जो मिशन छोड़ा था, जो क्रैश हो गया, आखिर उसने क्या ऐसी गलती की है जिससे हमारे लिए कोई सबक है? और बहुत से सवाल हैं, और कल का दिन वाकई देश ही नहीं दुनिया में ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है, इस पर लगातार आपको अपडेटेड रख रहे हैं। और जानकारियां और इन्फॉर्मेशन एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर आपका, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और हम बात कर रहे हैं चंद्रयान 3 कल 6:04 पर लैंड करेगा। उससे पहले अब से लेकर तब तक क्या क्या तैयारियां हो रही हैं, खुद चंद्रयान 3 क्या कर रहा है इस वक्त पे स्पेस में तैरता हुआ, वो जब लैंड करेगा तो क्या क्या खतरे हो सकते हैं, क्यों कहा जा रहा है कि सब कुछ फेल हो जाए तब भी वो लैंड करेगा, और बहुत सारे सवाल हम इसी वक्त यानी इसी अगस्त के महीने में ही क्यों अटेम्प्ट हम ये कर रहे हैं, वो उतर जाएगा तो फिर कैसे काम करेगा, प्रज्ञान रोवर जो है वो जब उतरेगा चांद की सतह पर तो फिर वो कैसे आगे बढ़ेगा, वहाँ जो खतरे होंगे उनसे वो कैसे निपटेगा, क्या ये सब कुछ वो खुद करने जा रहा है या यहाँ से धरती से चांद के अपने उस रोवर को हम किसी तरीके से काबू भी कर सकते हैं। तो मैं अगला हमारे साथ मेहमान मनीष पुरोहित जी, सौम्य दत्ता जी हैं, आप बहुत सारे सवालों के उत्तर उन्होंने दिए, पहले इसी सवाल का जवाब हम और ले लेते हैं। ये अभी हम लोगों ने क्यों किया, ब्रेक में इस पर बात हो रही थी, इसी दौरान क्यों हम लोगों ने अटेम्प्ट किया है? देखिए, एक तो है किसी भी मिशन को आप कब लॉन्च करेंगे वो काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, एक अपना तैयारी, दूसरा जिस सेलेस्टियल बॉडी, चांद हो, मंगल हो, शुक्र ग्रह हो, वेनस हो, उसको कहाँ पोजीशन है, धरती से कितनी दूर है और कितनी आसानी से कितनी कम फ्यूल और प्रोपेलेंट खर्च करके आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। अभी चांद पेरिजी में ऑलमोस्ट पहुँच चुका है, मतलब चांद का जो ऑर्बिट है वो पूरा सर्कुलर गोल नहीं है, थोड़ा सा अंडा टाइप है, इलिप्टिकल है, तो चांद सबसे नज़दीक पहुँचेगा 31 अगस्त को, सबसे नजदीक, धरती के सबसे नजदीक वो होगा 357 हजार किलोमीटर तक, तो अभी ऑलमोस्ट 360,000-362,000 किलोमीटर में है, 384,000 नहीं है। अच्छा। तो एक तो वो एक कारण है, लेकिन उससे बड़ा कारण जो है
जो चांद से धरती से चांद तक जाने के लिए कितना एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा वो कैलकुलेशन होता है। ये एक कारण बड़ा है, और ये दोनों मिलके आपको पहुंचना है और उसमें अपना ऑर्बिट में पहुंचना, और जो बार बार इंपॉर्टेंट चीज हम बात कर रहे हैं, जो रिजर्व फ्यूल, जो लैंडर में रिजर्व फ्यूल, मैंने एक जगह में नहीं कर पाया, यहाँ पत्थर है तो उसी साइट में हम दूसरा जगह में जाए, तीसरा जगह में जाए, इसके लिए एक्स्ट्रा फ्यूल चाहिए, इंजन को ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा फ्यूल भी आपको तब जा रह पाएगा। इससे मेरे मन में सवाल आया, ये जो साइट आपने बताया, साइट देखा, कुछ भी मिस लग रहा है कि ठीक नहीं है तो वो दूसरी साइट के लिए ट्राई करेगा, ये हम कितनी बार कर सकते हैं, इसके पास कितनी बार करने की देखिए हमने है? हमने दो रीजन रखे हैं प्रायोरिटी के, एक तो 23 तारीख वाला है, एक 27 तारीख वाला है, तो ये दो ही है ऑप्शन है। अब बस इसमें बस जैसे इसमें आप ये कर सकते हैं कि 23 तारीख को अपन जब लैंड कर रहे हैं तो हमने देखा कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है, तो 150 मीटर आगे जाके जो फ्लाइट का प्रोफाइल है वो ऐसा है कि क्योंकि उसी दिन कर लेते हैं, वापस आना, वेट करना, ये बहुत टीडियस टास्क है, क्योंकि आप एक तो इतना आप ये डिसीजन जो होगा ना कि यहाँ लैंड करने की आगे जाएं, जैसे मान लीजिए वहाँ उतर के आप वापस उठना, सारा कुछ करना, आप फ्यूल तो बर्न करेंगे। अभी देखिए मैं इसको थोड़ा पर्सपेक्टिव में कैसे रखूँ, अपना जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है उसमें 150 किलो फ्यूल बच गया, तो अब इसरो बोल रहा है कि ये कुछ महीने का एक्सपेक्टेशन था कि कुछ महीने और चांद के चारों तरफ घूमेगा, लेकिन अभी कुछ साल और चांद के चारों तरफ घूम जाएगा, क्योंकि फ्यूल है, फ्यूल सबसे मेन करेंसी फ्यूल हो जाती है जब स्पेस पे जाकर, क्योंकि वो आप ला नहीं सकते ना कहीं से वापस, ठीक बात, तो वहां पर रिफ्यूलिंग नहीं आप कर सकते। अगला सवाल, ये धरती से 384,000 किलोमीटर चंद्रयान कैसे कंट्रोल किया जा रहा है यहाँ से? सौम्य दत्ता साहब ने कहा 384,000 किलोमीटर नहीं है, कितना है सर एग्जैक्ट? लगभग अभी 362,000 के आसपास है, ठीक है, और कम होते जा रहा है, और ये कम मतलब 30 अगस्त चांद से हमारी दूरी और घटती जा रही है, चांद नजदीक आते जा रहा है और अपना ऑर्बिट, लेकिन इसको हम कैसे कमांड कर पा रहे हैं यहाँ से? उसको रेडियो कम्युनिकेशन कहते हैं अपन, वैसे ही यहाँ पर ग्राउंड स्टेशन पे एरे ऑफ एंटीनाज होते हैं, बड़े बड़े एंटीनाज होते हैं, जिसको ISDN कह रहे हैं ना, डीप स्पेस नेटवर्क जो कह रहे हैं, तो बड़े बड़े एंटीनाज होते हैं, वहां से हम ट्रांसमिट करते हैं। जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि ये मान लीजिए कि चांद जो अपना चंद्रयान है उसके ऊपर एक मोबाइल फोन रखा हुआ है, आप ये मान लीजिए, और एक अपना टावर है, टावर से सिग्नल आएगा और उसको कैप्चर करना है। अब यहां पर एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो आ गई, अगर पावर नहीं है तो आप कम्युनिकेट भी नहीं कर पाएंगे ना, इसीलिए वो 14 दिन वाला पार्ट भी आ गया, वो उस पे पावर होनी चाहिए, पावर होगी तो वो काम करेगा। अगर आप बोलते कि यार बैटरी पावरफुल चाहिए, पावरफुल बैटरी कितनी लगाओगे आप? अगर बहुत ज्यादा पावरफुल बैटरी लगाते हो उसको जगाए रखने के लिए, तो जो मास है, मिशन का मास है, वो बढ़ जाएगा, लेकिन आपका जो लॉन्च व्हीकल है उसमें लिमिटेशन है 4000 किलो लिफ्ट ऑफ वाली, सब चीजों को बैलेंस करना बहुत ज्यादा। अरे तो इसी से जोड़ा अगला सवाल था, ये यहाँ से धरती से चंद्रयान तक ये सिग्नल भेजने के लिए कितना वक्त लगता है? ये लगेगा आपको 1 सेकंड से थोड़ा ज्यादा सिग्नल को वन वे जाने में, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल 1 सेकंड में 300,000 किलोमीटर चलते हैं, ठीक है, और ये 360,000, 362,000, 365,000 मान लीजिए, तो जाने में लगेगा 1 सेकंड से थोड़ा ऊपर, आने में लगेगा 1 सेकंड से थोड़ा ऊपर। अब लोग सोचेंगे ये कैसे, जाने में ज्यादा आने में कम? नहीं, दोनों में सेम लगेगा, वही 1.0 something सेकंड उतना ही टाइम आने में लगेगा, फिर वो प्रोसेस करके रिस्पॉन्ड करेगा, वो वहाँ से अपने लैंडर मॉड्यूल को करेगा, लैंडर मॉड्यूल डायरेक्ट करने का चांस काफ़ी बार कम होता है, ऑर्बिटर को भेजेगा, ऑर्बिटर फिर अर्थ में स्टेशन को कंट्रोल। हम यहाँ सीधे लैंडर को कमांड नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अब जो अपना लैंडर है उसमें वो सारी कैपेबिलिटीज है कि अभी डायरेक्ट कनेक्टेड है, वो हमारा मैंने बताया ना क्रेटर के पास कहीं उतरे, कहीं कोई ऑब्स्टेकल है जो डायरेक्ट व्यू नहीं आ रहा है। देखिए ये लाइन ऑफ साइट के जैसा होता है, मतलब जहाँ मेरी आंखें देख सक रही है वहाँ मैं कनेक्ट कर सक रहा हूँ, तो अगर लैंडर को सीधे ग्राउंड स्टेशन दिख रहे हैं तो लैंडर डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता है, अगर नहीं दिख रहे हैं तो ऑर्बिटर से हेल्प मांगो, ऐसा है। अब चंद्रयान दो वाला घूम रहा है, ठीक है। अरे ये हम किस किस्म की कमांड्स उसको भेजते हैं, मतलब कुछ तो उसका भी कुछ एक सेट रहता है, वो होगा ना, पैरामीटर्स होंगे, ये फंक्शन कर सकता है, ये हमारे कहने पर ये काम कर सकता है, क्या क्या काम कर सकता है विक्रम हमारे कहने पर? देखिए ये टेलीमेट्री टेलीकमांड वाला जो पार्ट होता है, तो ऐसा आप इसको ऐसे मानिए कि वहां पर ऑलरेडी हमने डिसाइड कर रखा है कि इस फॉर्मेट में, जैसे अब हमें पता है आप मेरी हिंदी भाषा को समझ पा रहे हैं, तो जब मैं जो कुछ बोल रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे कोई ऐसा इंसान होगा जिसको हिंदी समझ में नहीं आती, उसके लिए वो बस कुछ आवाजें हैं, ठीक है, बस यही चीज है। तो हमने जब डिजाइन किया ना सॉफ्टवेयर को जो वहां पर हमसे कम्युनिकेट करेगा, तो उसको बताया गया कि अगर हम ऐसा लिख कर भेज रहे हैं तो आपको इस तरीके से रेस्पॉन्ड करना है,
तो वो यहाँ से नीचे से वो कम्युनिकेशन होता है। अब इसको और भी सिंपल समझे, आप SMS भेजते हैं या WhatsApp भेजते हैं, आप तो लिख देते हैं, वो जाता कैसे है? रेडिएशन से। तो वैसे ही हम यहाँ पर एक कमांड लिखते हैं, लेकिन जाती कैसे है? वो रेडियो कम्युनिकेशन से जाती है, और वहाँ पर फिर एक रिसीवर है जो उसको कन्वर्ट करता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर इस फॉर्मेट में आ रहा है तो इसको हमको किस रूप में कन्वर्ट करना है, और फिर रेस्पॉन्स होता है। अब सर ने बताया जाने में 1 सेकंड से ज़्यादा, आने में 1 सेकंड से ज़्यादा, और रेस्पॉन्स भी तो करेगा वो टाइम है, रिस्पॉन्स टाइम इस पर। ठीक है, अब अगला सवाल ये है कि रूस का ये जो चंद्रयान, रूस का जो ये माफ कीजिएगा लूना 25 था, इससे इसमें और चंद्रयान में क्या अंतर है? एक अंतर तो आपने बताया कि वो 1 साल तक काम करने वाला था, हो सकता है उसके साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स वो कुछ और भी हों, बेसिक फर्क लेकिन उस यान में हमारे यान में क्या है और उसने क्या गलती कर दी? देखिए सॉरी ना बोलिए सर बोलिए। जो उसमें जो पहला जो गलती का जो बात यदि बात करें, देखिए लूना 25 में टेक्निकल कोई कमी नहीं था, जो उसमें एक स्ट्रेंथ था जो पहले लैंड कर रहा था अंधेरा के टाइम में भी जब दिन नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें जो मनीष ने भी एक्सप्लेन किया उसमें रेडियोएक्टिव मटेरियल से हीटिंग सिस्टम था, इसीलिए वो इतना वल्नरेबल नहीं था इसको इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा रात में भी काम कर सकते हैं, उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। जो गलती किया जो मैनेजर्स है, अभी रशिया का जो सोवियत यूनियन का जमाना चला गया, क्योंकि सोवियत यूनियन 1966 से 76 के बीच में 9 बार चांद में सक्सेसफुल लैंड किया, ये भूलना नहीं चाहिए, वेनस में सबसे सक्सेसफुल लैंडिंग सोवियत यूनियन ने किया, हाँ तो बहुत सारे किया, लेकिन इस बार जो मैनेजर्स ने उन्होंने ज़्यादा दिखाने का कोशिश किया, उन्होंने अपना पावरफुल रॉकेट का मदद लेके बहुत जल्दी पहुँचाया, वो तो ठीक है, लेकिन जो क्रिटिकल फेज है वहाँ ऑर्बिट में स्टेबिलाइज करना, उसको स्पिन को कंट्रोल करना, ये सारे चीज़ उन्होंने बहुत जल्दी किया। और इसका एक कारण जो बताया जा रहा है, जो सोवियत यूनियन का आज जो स्थिति, मतलब रशिया का आज जो स्थिति है वो दुनिया को दिखाना चाहता है आज भी हमारा वो पुराना ताकत है, तो ये जो दिखाने का है, क्योंकि सोवियत यूनियन क्योंकि पहली स्पेस पावर थी, अमेरिका से पहले स्पेस पावर थी, पहला रॉकेट उन्होंने भेजा, पहले एस्ट्रोनॉट उन्होंने भेजा चांद में, जबकि अमेरिका ने भेजा, तो वो इस बार भी वो यही दिखाना चाह रहे थे कि रशिया का हालत अभी बहुत खराब है, तो पूरी दुनिया में वो दिखाना चाहते हैं। 1976 में उनका लूना 24 गया था, वो मिशन शायद 14-15 दिन का था, उसमें पता क्या किया था, वो चांद पे गए और चांद की मिट्टी लेके वापस आए, लेके वापस आए, ये उन्होंने 14-15 दिन में कर दिया था, तो इसलिए उनको क्या लगता कर देंगे, नहीं और भी उन्होंने दिखाना भी चाहता था। रॉकेट बहुत ताकतवर, मेरे ख्याल में 170-180 ग्राम सैंपल लेके फिर वापस आए, चले हम भी करेंगे किसी दिन करेंगे, ये पहला स्टेप है। अगला सवाल का जवाब मुझे लगता है मिल गया, चांद से मिलने वाला डेटा कितना अहम होगा, ये किस काम आएगा, हमने बात की चांद पर ऐसा क्या है कि सब खोजने में उसे लगे हुए, इस पर भी आपने बताया कि सबसे पहले तो हमको पानी की तलाश है, पानी अगर मिल गया वहां पर तो ये दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अगला सवाल है क्या चांद पर हवा पानी ऑक्सीजन है, पानी तो हम ढूंढ रहे हैं वहां है कह रहे से, हाँ यहाँ हम हवा है सांस ले रहे हैं, चांद पर क्या है? वातावरण नहीं है, कुछ नहीं है, नो एटमोस्फियर, नॉट, ये भी तो एक एडवांटेज है, ये एक एडवांटेज है क्योंकि आप लिफ्ट ऑफ करोगे ना अगर, तो यहाँ पर लॉन्च व्हीकल को अर्थ के एटमॉस्फेयर को चीर के निकलना होता है, तो वो एक ड्रैग देता है, जैसे अपन तेज गाड़ी चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, मान ली मैं साइकिल भी तेज चला रहा हूँ तो हवा का ड्रैग लगता है ना, मैं कुछ मैं जितना तेज जाना चाहूँ तो मेरे लॉन्च व्हीकल को भी लगता है ना, तो वहाँ पर वो नहीं है, तो अगर मैं बेस कैंप बनाता हूँ वहाँ से मैं रॉकेट लॉन्च करता हूँ तो ग्रेविटी भी कम है और एटमॉस्फेयर नहीं है, तो मेरे को तो एडवांटेज है, लेकिन वैसे एटमॉस्फेयर नहीं है तो सर्वाइवल के लिए वो प्रॉब्लम है। होता क्या है, चांद की जो मिट्टी है उसको जो भी गुस्सा आ रहा है सूरज को वो सारा झेलना पड़ता है, तो वहाँ पर है ना धरती जो उनकी चांद की धरती के आसपास प्लाज्मा टाइप का मतलब हाई एनर्जी पार्टिकल एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो ये नुकसान है एटमॉस्फेयर नहीं होने का। अच्छा आप लोग पूछा आने वाले वक्त में क्या लोग चांद पर घूमने भी जा सकेंगे, अभी स्पेस में तो लोग घुमाने लगे हैं। देखिए ये तो आने वाले दिनों में पैसा वाला लोग क्या क्या करेंगे वो अभी से बता नहीं सकते, जैसे अभी ऑर्बिट तक जाना शुरू हुआ, लो ऑर्बिट तक, धरती का निचली ऑर्बिट तक, तो आने वाले 20-25 साल में चांद में बहुत पैसा वाला बिलियनर लोग घूमने जाए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन वो एक पेरिफेरल मामला है, उसमें हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें ध्यान इसमें देना चाहिए कि पूरा। और इसमें मैंने एक चीज़ बार बार बोलूँगा, ये जो सब जगह बोले चांद हमारे मुट्ठी में, ये बहुत गलत चीज़ है, ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, मैंने एक अनरिटन भी है, कुछ कुछ जगह में रिटन भी है, जो इस ढंग का चीज़ जैसे हमारा एंटार्क्टिका है, ये पूरी मानव जाति के धरोहर है,
माने अमेरिका पहला पहुंचा तो अमेरिका का संपत्ति हो गया, अमेरिका मुट्ठी में पूरा आ जाना चाहिए था, 50 साल से पहले अमेरिका पहुंच गया, तो ये गलत चीज है। थोड़ा गर्व महसूस करने के लिए गर्व होना चाहिए जाता है और गर्व, लेकिन हमारे मुट्ठी में है ये बात, है ना, हमारे की हमारी काबिलियत है, हमारे काबिलियत भी पहुंच सकते हैं, हम वहां भी पहुंच सकते हैं और धरती का बहुत कम देश पर प्लॉट काट काट के बेच रही है, वो तो उसका कोई पॉसिबल नहीं है वैसे तो, लेकिन देखिए अभी प्लान क्या है ना, प्लान ये है कि जैसे अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है धरती से 400 किलोमीटर ऊपर घूम रहा है, वैसे चांद के चारों तरफ भी एक लूनर स्पेस स्टेशन बनेगा जहां पर एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे, चांद पर जाएंगे इंटरप्लेनेटरी मिशंस के लिए वहां पे। अरे एक सवाल मेरे मन में था, समय भी कम रह गया, ये जब हमारा रोवर वहां उतर जाएगा उसके बाद क्या ये कंटिन्यूअसली हमें फीडबैक भेजेगा, पिक्चर्स भेजेगा लगातार? डेटा पिक्चर्स उसमें सब आ जाएगा, उसका एक्सपेरिमेंट भी तो करेगा ना वहां पे, तो सारी सब कुछ वो जो करेगा, वो जो रोवर है वो लैंडर को देगा और लैंडर जो है वो आगे हमें पास ऑन कर देगा। ये देखिए ये एक बार वहां पे जाने के बाद कंटिन्यूअस ट्रैकिंग है 14 दिन के लिए, क्योंकि हमारे पास 14 दिन ही है, तो 14 दिन नॉन स्टॉप हम चांद की सतह को चांद के पर हमारे पहुंचाए गए कैमरे से देख पाएंगे। थोड़ा थोड़ा मूव करेगा, वहां जमीन में जो रेगोलित है क्या है उसको स्टडी करेगा, ऐसे मूव, हाँ ये सही, ये भी आपने अच्छा बताया, ये मूव जो है ऑलमोस्ट टॉय कार जैसा वो लगता है देखने में, हाँ लेकिन 26-27 किलो का, 26-27 किलोग्राम है तो बहुत छोटा नहीं है। अब वहां पर है ना देखिए कितना डिस्टेंस मूव करेगा, कितनी तेजी से मूव करेगा। अगर आपने कभी देखा हो तो एस्ट्रोनॉट्स को चांद पे चलते वक्त कुछ वीडियोस अपने पास है अपोलो के, अगर आप कभी देखे सोशल मीडिया पे, तो वो जब चल रहे हैं तो ऐसा लगता है कूद कूद के चल रहे हैं, तो आप ये समझिए ना प्रॉब्लम ये नहीं, वो चलेगा, प्रॉब्लम ये है कि अगर उबड़ खाबड़ जगह है तो उसका बैलेंस बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा, क्योंकि चांद की मिट्टी ऐसा तो नहीं ना कोई ने, ठीक है हम लैंड तो कर गए लेकिन ऐसा तो नहीं कि एक फ्लैट सरफेस है, बिल्कुल फ्लैट सरफेस, तो उसको कभी चढ़ना भी पड़ेगा उतर, इसके लिए लूनर टेरेन फैसिलिटी बनाई इसरो ने वहां पर, वैसा कोशिश करी बनाए जाने की और उस पर पहले उस चला के देखा, और अब ग्रेविटी कैसे कम करें, तो हीलियम बैलून लगा के बैलेंस करके, एक पुली सिस्टम लगा के उसको बैलेंस करके पूरी। अच्छा आखिरी सवाल, क्या ये कामयाब हमारा चंद्रयान 3 का मिशन कामयाब होने के बाद हमारी इकोनॉमी पर इसको ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी एक तो इकोनॉमी पर जो लॉन्च व्हीकल का ज़्यादातर, क्योंकि अभी दुनिया में आप देखेंगे ये बहुत सारे नियर अर्थ सेटेलाइट स्वार्म छोड़ा जा रहा है इंटरनेट के लिए, सेटेलाइट बेस्ड इंटरनेट, हाँ ये जो वन क्या है वन जो जिसमें भारतीय एयरटेल है, वन वेब स्टारलिंक, वन वेब है, देन इलॉन मस्क का एक स्टारलिंक ये है, तो इसमें हजारों सैटेलाइट छोड़ा जा रहा है, माने कई प्लान है, किसी ने 18,000 छोड़ेगा, किसी ने 30,000 छोड़ेगा, तो 40,000 हमारी हिस्सेदारी, उसमें ऑलरेडी PSLV कुछ लॉन्च किया है, ये बहुत बड़ा एक मार्केट है। अब इसको मैं आपको थोड़ा और सा नंबर्स में समझाऊं, थोड़ा सा शॉर्ट में बस, तुरंत एक लाइन बताता हूं, SpaceX हर महीने 6-7 लॉन्च करता है लो अर्थ ऑर्बिट में, इसरो में कैपेबिलिटी है, अब हम बता देंगे कि हम भी ऑप्शन है, कम कैसे में, बहुत कम भी कम कैसे में, तो ये होगा ना भाई, वही ना टेक्नोलॉजी दिखा दी तो हम है ना, आओ ठीक, बिल्कुल ठीक, हमारे कॉस्ट कम है, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया मनीष और सौम्या जी, बहुत आप लोग धन्यवाद आप लोग स्टूडियो में आए। तो चंद्रयान 3 पहुंचेगा कल चांद पर, उतरेगा चांद पर, और फिर हिंदुस्तान ये बता देगा कि हम में भी है दम।